हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ TGT के कुछ क्वेश्चंस लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वोकैब। वोकैब को लोग बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा वोकैब तैयार है, हम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी रहेगा, चार ऑप्शन भी मिल जाएंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता डियर। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसे मिस्टेक आदमी कर जाता है, कन्फ्यूज़न में पता ही नहीं चलता कि इसमें ये लगाएं, ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, डी लगाएं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले भी मैंने यंग वंस के वीडियोस अपलोड किए थे, आई होप कि वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और यूज़फुल होगा और आपको देख करके अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अगर लगा होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको पाएंगे उसमें कि बहुत सी चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं थी, जो नहीं मिली हैं इसमें भी आपको नए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल वर्ड है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है। सारे जो भी वर्ड्स हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन की तरफ चलेंगे। तो पहला वर्ड है बियर। बियर का शी बियर हो जाएगा डियर, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। नेक्स्ट है ड्रैक। देखिए ड्रैक, एक जिसने सुना होगा ठीक है, जिसने नहीं सुना होगा, जिसने नहीं कभी इसको यूज़ किया होगा तो उसको पता भी नहीं होगा कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो ड्रैग का जब मीनिंग नहीं पता तो वो फेमिनाइन कैसे बताएगा, तो सबसे पहले तो ये समझिए। तो ड्रैग अगर है तो इसका पहले जानिए कि इसकी मीनिंग क्या होगी और तब खुद जानिए। मैं भी यहाँ से बता सकता हूँ लेकिन आप जानेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ड्रैग का जो फेमिनाइन होगा वो डक होगा, हिंदी मीनिंग आप पता करिए, ठीक है। और अगर लर्न कर सकते हैं तो ड्रैग का डक याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने वाले वर्ड्स हैं डियर। नेक्स्ट है डॉग, बहुत ही इजी है, डॉग का बीच होगा। आगे बढ़ते हैं, बुल, बुल का काऊ होता है, सभी जानते हैं। बोर, ठीक है, बोर, बोर का सो होता है, ठीक है, फेमिनाइन उसका सो होता है, ठीक। तो बोर अगर आप उसकी मीनिंग जानते होंगे तो आपको याद आएगा और आप तुरंत सो बता देंगे। नेक्स्ट वर्ड है कोल्ट। सबसे पहली बात तो ये कि कोल्ट का मतलब क्या है, जो जानते हैं वो बता देंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो उसकी हिंदी मीनिंग जाने। कोल्ड जब उसको पता चलेगा किसी भी व्यक्ति को तो वो बड़े आसानी से बता देंगे कि इसका जो फेमिनाइन होगा वो फिली होगा, FILLY, फिली। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉक्स। फॉक्स, तो फॉक्स जानते हैं लेकिन इसका फेमिनाइन क्या होगा, तो इसका फेमिनाइन विक्सेन होगा, VIXEN, विक्सेन। नेक्स्ट कॉक है, कॉक को हम सभी जानते हैं, हेन होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका बुलॉक। बुलॉक, BULLOCK, बुलॉक। तो बुलॉक का जो फेमिनाइन होगा वो हेफर होगा, HEIFER, हेफर, बुलॉक का हेफर। नेक्स्ट बक। बक, अब जाहिर सी बात है फिर से अब हिंदी मीनिंग चाहिए, हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे। भाई डॉग का हम जानते हैं डॉग क्या होता है, इसीलिए हम बीच बता देते हैं कि ये फेमिनाइन होगा, ठीक है। अब जैसे काउ, कॉक है तो कॉक का हम हेन बता देते हैं कि ये इसका फेमिनाइन होगा, लेकिन जब हम जानते ही नहीं कि बक क्या होता है तो हम उसका फेमिनाइन कैसे बताएंगे। तो पहले इसकी हिंदी मीनिंग जानिएगा और बक का जो फेमिनाइन होगा वो डो होगा, ठीक है, DOE, डो। नेक्स्ट वर्ड है बिली गॉट। बिली गॉट का जो फेमिनाइन आपको जानना होगा तो जाहिर सी बात है बिली गॉट का फेमिनाइन नैनी गॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टीयर, STEER, स्टीयर। तो स्टीयर जो है इसका फेमिनाइन क्या होगा, तो इसका फेमिनाइन आप जब ढूंढेंगे तो चलिए इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका फेमिनाइन क्या होगा स्टीयर का। नेक्स्ट गैंडर। गैंडर, GANDER, गैंडर। तो गैंडर का फेमिनाइन, पहली बात तो गैंडर का मतलब समझिए कि वो क्या है, और उसका फेमिनाइन गूज होगा, GOOSE, गूज, गैंडर का गूज। नेक्स्ट लियोपार्ड। लियोपार्ड, कुछ फेमिनाइन ऐसे बनते हैं डियर जिसमें ES जोड़ दिया जाता है और वो फेमिनाइन बन जाता है, तो उसी तरीके से लियोपार्ड है तो लियोपार्ड का लियोपार्डेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से देखिए लॉयन है तो लॉयन का भी लॉयननेस होगा, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड और मैं आपको बता दूँ, काउंट है तो काउंट का काउंटेस होगा, ठीक है। टाइगर है तो टाइगर का टाइग्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। टाइगर का टाइगर लिख के ES नहीं लिखेंगे आप, टाइगर में TIGR
ई डबल एस लिखेंगे, टी आई जी ई आर ई डबल एस नहीं लिखेंगे, उसमें से ई ड्रॉप हो जाएगा, टी आई जी आर ई डबल एस टाइग्रेस हो जाएगा, ठीक है, ई वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे डच है तो डच का डचेस हो जाएगा, ई डबल एस लग जाएगा। तो काउंट का काउंटेस, डच का डचेस, लियोपार्ड का लियोपार्डेस, ठीक है, टाइगर का टाइग्रेस, थोड़ा सा ई यहाँ पे ड्रॉप होगा, लायन का लायनेस, उस तरीके से होगा। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं फेमिनाइन जो ई डबल एस लगा करके बनते हैं, लेकिन टाइगर में जी के बाद ई ड्रॉप हो जाता है, टी आई जी आर और ई डबल एस हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टैलियन। तो सबसे बड़ी बात स्टैलियन क्या है पहले ये जानिए, स्टैलियन की मीनिंग निकालिए, जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। तो स्टैलियन है, स्टैलियन का जब आप फेमिनाइन बनाएंगे तो मेयर बन जाएगा, ठीक है। स्टैलियन का जब फेमिनाइन, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे और उसका फेमिनाइन खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े आसानी से मेयर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रैम, रैम आर ए एम रैम। तो अब इसका जब आप ढूंढेंगे फेमिनाइन, पहली बात तो आर ए एम नया वर्ड, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी पहले तो वो पता करिए, उसके बाद में फिर जब आएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी जो फेमिनाइन होगी वो ई डब्ल्यू ई फेमिनाइन ईव होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉम कैट, टॉम कैट, तो टॉम कैट का फेमिनाइन टैबी कैट, ठीक है, टॉम कैट का फेमिनाइन टैबी कैट। पिकॉक सभी जानते हैं, कॉक का हैन हो गया तो पिकॉक का पी हैन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ही गॉट, ही गॉट, तो ही गॉट का क्या होगा शी गॉट, ठीक है, ही गॉट का शी गॉट। पिकॉक का पी हैन हो ही चुका है, टाइगर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉक का क्या होगा हैन, तो कॉक स्पैरो का क्या होगा हैन स्पैरो, कॉक स्पैरो का क्या होगा हैन स्पैरो। कुछ और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, मदर का फादर हो जाएगा, वो लगभग आप लोग जानते ही हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, और मैं फिर से बता रहा हूँ डियर, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा और आप मिस्टेक कर बैठेंगे। तो इसीलिए जो है इसमें जो नए वर्ड हैं, मैं सारे तो नहीं कह रहा, लेकिन जो नए वर्ड हैं उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके उसका मैस्कुलाइन फेमिनाइन और हिंदी मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। एक से दो क्वेश्चन मतलब आठ नंबर, एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया मिला हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में टीजीटी के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक जय हिंद।